हेलो एवरीवन, हाय ऑल. सो वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश. एंड टुडेज टॉपिक इज मार्केटिंग फनल. तो ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 4 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग फनल के बारे में. इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी आप एग्जाम में राइट आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे ये टॉपिक पूछ लेते हैं. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग स्किप कर देते हो, बट ये जरूर पढ़ के जाना. सो व्हाट इज मार्केटिंग फनल? मार्केटिंग फनल एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है बायर की जर्नी फ्रॉम सर्चिंग और थिंकिंग टू बाय एंड फाइनल बाइंग, राइट, या फाइनल कंजम्पशन. ना, सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर. तो वो प्रोस्पेक्ट मतलब भी बना नहीं है, कस्टमर हुआ नहीं है, प्रोस्पेक्ट है, सकता है, तो हो सकता से हो गया के बीच का जो जर्नी है, या वो जो लाइक जिसको कहते हो कि वो जो एक पासेज है उसी को मार्केटिंग फनल हम कहते हैं. सो इट इज अ कंबाइंड विद टूल्स एंड अ प्रोसेस यू यूज टू ग्रेसफुली गाइड देम थ्रू. सो अ मार्केटिंग फनल इज अ वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कस्टमर जर्नी ऑल द वे फ्रॉम अवेयरनेस स्टेज व्हेन दे फर्स्ट लर्न अबाउट योर बिजनेस एंड टू द परचेज स्टेज व्हेन दे फाइनली बाय द प्रोडक्ट और सर्विस. जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं एंड फाइनल बाय कर लेते हैं, इस पूरी जर्नी को ही हम लोग मार्केटिंग फनल कहते हैं. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन दिस मार्केटिंग फनल? दिस इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला स्लाइड जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं. तो इसको एज इट इज आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन आएगा. सो सबसे पहला अवेयरनेस होता है, प्रोस्पेक्ट बिकम अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन टू इट. देन इंटरेस्ट आता है, द प्रोस्पेक्ट एक्सप्रेस द इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो सबसे पहली बात क्या है, आपको जरूरत महसूस होगी, एक अवेयरनेस जहां होती है आपके अपने प्रॉब्लम की. जैसे आपको अवेयरनेस हुई है कि भाई नेट VRF ऐसे ही नहीं क्लियर होगा, एक अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट आएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे जगह ढूंढने लगोगे, बुक्स ढूंढोगे, वीडियोस देखोगे, जैसे मेरे पास आए, राइट. तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत सारे ऐसे राइट हो सकता हो वीडियोस देखते हो दिन भर में, बहुत सारे चैनल्स को विजिट करते हो, बट हो सकता है आपको यहाँ पे अच्छा लग जाए चैनल, राइट. अभी आपने एक वीडियो ऐसे देखा, फिर उसके बाद दूसरा देखा, का इंटरेस्ट जगा, देन यू विल लाइक सी अ डिजायर और देन यू विल हैव अ डिजायर टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट. प्रोस्पेक्ट शोज द इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ प्रोडक्ट, बिगिंस टू इवैल्यूएट वेदर इट मीट्स द नीड और नॉट. बिल्कुल सही. फिर उसके बाद आप डिजायर की तरफ जाते हो कि भाई क्या ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा. जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है, पहले प्रॉब्लम होती है, फिर सर्चिंग आती है जहां पे इंटरेस्ट आता है कि भाई हाँ हाँ हमको पूरा करना है. तो कई सारे आप लाइक जगह देखते हो, ब्रांड्स, प्रोडक्ट, कंपनी सब देखते हो. उसके बाद एक पर्टिकुलर ऐसा ब्रांड देखते हो जो आपकी नीड को मीट कर पा रहा है, कई सारे एक दो ऑल्टरनेटिव पे जा सकते हो एंड देन यू टेक अ फाइनल एक्शन. द प्रोस्पेक्ट डिसाइड वेदर दैट ब्रांड और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीट्स देयर नीड और नॉट. सो इट डज सो इफ इट डज दे बिकम अ कस्टमर. भाई जब अगर वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, नीड को पूरा कर रहा है, तो वो उसके कस्टमर बन गए. तो यहीं से अवेयरनेस शुरू होके कस्टमर बनने की पूरी जर्नी होती है. सो इफ डजंट दे कंटिन्यू टू इवैल्यूएट अंटिल दे फाइंड अ बेस्ट ब्रांड टू मीट देयर नीड, राइट. तो इस बात को ध्यान रखना, अवेयरनेस सबसे पहला आता है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट आता है, उसके बाद हमारा डिजायर आता है, उसके बाद हमारा एक्शन आता है. हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग जरूर देखना, राइट. अब इस पे ध्यान दो. इन 1924 विलियम एच टाउनसेंड, अब इनका नाम याद रखना, यही नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक, राइट. कंबाइंस AIDA मॉडल. हाँ, एक और चीज मैंने नहीं बताई वहां, AIDA मॉडल कहते हैं मार्केटिंग फनल. अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आए, मार्केटिंग फनल को किससे मैच करोगे? AIDA मॉडल से, राइट. अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, AIDA मॉडल, राइट, जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा. अब इसी को उन्होंने एक फनल बना दिया, राइट, एक फनल बना दिया. सो द फर्स्ट मार्केटिंग फनल वाज बॉर्न इन दिस ईयर एंड व्हिच इज लाइक दिस, राइट. अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन एंड फाइनली सेल्स, दैट इज योर एक्शन. अब आप एक चीज देखो, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये जो मार्केटिंग फनल होता है वो अपवर्ड अपसाइड डाउन होता है या लाइक जैसे नॉर्मल हमारे ऐसे करके बनते हैं, पिरामिड बनते हैं, बट ये जो पिरामिड बनेगा ये उल्टा बनेगा, राइट. साइड डाउन होता है, जो ऊपर होता है ये नीचे दिखता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
तो ये एज इट इज ऐसे ही चलता है। एक चीज बहुत ध्यान देना, ये ऐसे है, ऐसे मतलब आप शुरुआत करते हो अवेयरनेस से, अवेयरनेस पे ये एरिया ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई ज्यादा पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, राइट? देन उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट, ठीक है? देन हमारे पास आता है क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप देखते हो थोड़ा सा एरिया कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई, बहुत उससे थोड़े से कम लोग हो गए जो उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर उससे कम लोग होंगे जो किसी में इंटरेस्ट दिखाएंगे या मतलब जिन जो डिसाइड करेंगे लेने को, एंड फाइनली एक्शन। तो इसका एक परसेंटेज होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो जो कि ये दिया है। देख पाते हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पहली बात तो बहुत सारे, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे क्यों छूटा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपने अवेयरनेस हुई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन उसमें से लगभग 56% होते हैं जो इंटरेस्ट जगाते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं 35 लोग, और सेल्स में पहुंच पाते हैं सिर्फ 15%। मतलब आप ये देखो 71 से शुरू करते हो पर 15% सेल होती है, ऐसा इनका मानना था, विलियम एच टाउनसेंड का, राइट? 1924 में इन्होंने ये चीज दिया था। यही मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट है। सो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग इट, बट आई हैव शोन दिस दैट आप उसको बाद में आराम से देख। अच्छा, इसी से एक और चीज निकल के आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आई विल से दैट वो वाले से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, एमसीक्यू में यही पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टूफू, या व्हाट इज अ टूफू, या व्हाट इज मुफू पुफू, ये क्या होता है? बड़े क्यूट से यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे, टूफू मुफू पुफू। फू मतलब टॉप ऑफ द फनल, मुफू मतलब मिडिल ऑफ द फनल, और बुफू मतलब बॉटम ऑफ द फनल। तो ये जो टुफू मुफू बुफू है पूछा जाता है, या तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग भी भाई आ सकता है, ठीक, या डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि जो टुफू है वो किससे रिलेट करता है, अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, या डिसीजन स्टेज। आपको ये पता होना चाहिए, फू मतलब अवेयरनेस, मुफू मतलब योर कंसिडरेशन स्टेज, एंड बुफू मतलब डिसीजन फाइनल, अवेयरनेस। ये तो सबको पता चले, बुफू मतलब अवेयरनेस सबसे ऊपर होगी ऑफ द फनल में, राइट? कंसिडरेशन जहाँ कंसिडर करते हो, चलो ठीक है, हाँ सोल्यूशन के बारे में ढूंढेंगे करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, मुफू कहेंगे या कंसिडरेशन स्टेज कहेंगे, देन फाइनली हम लोग डिसीजन। इसी को थोड़ा और रिफाइन करके यहाँ पे बोला गया। अच्छा, समझ में आई? यू विल हियर द मार्केटर टॉक अ लॉट अबाउट टूफू मुफू एंड बुफू मैट्रिक्स एंड प्रोसेस। सो दिस मॉडल लाइक दिस इज द मॉडल दे आर रेफरिंग टू व्हेन दे डू सो, भाई अब हमेशा याद रखना। अच्छा, एक और चीज आती है, ये आपको कितने थोड़ा अधूरा लगेगा जब आप बहुत अच्छे मार्केटर बनोगे। उस चीज को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कैसे? देखो, ये जो फनल है ये ऐसे आया है, इसी को फिर फर्दर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? देखो, अवेयरनेस हुई है, ठीक है, कंसिडरेशन हुआ है, ठीक है, कन्वर्जन भी हुआ है, मतलब हमारा फाइनल सेल्स भी हुई है। जैसे आपने वो परसेंटेज देखा था ना, 71% है, 53% है, उनमें से 17% लोग सेल्स में आ रहे हैं, बीच में एक और है, वो यहाँ पे स्क्रिप्टेड है, कोई बात नहीं। क्या ये 15 के 15% एज इट इज रहते हैं, या जो भी परसेंट है वो क्या खाली, मतलब जो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग सेल लाइक परचेज कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं परचेज का, या कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टमर बन रहे हैं, क्या ये हमेशा 100 के 100 ही रहते हैं? इनमें से कुछ, देखो फिर से यही बात आ रही है, और भी पतला हो सकता है, हो सकता है कुछ लोगों ने लिया बट आगे जाके उन्होंने कम कर दिया, 80 पे ही आ गए, बट जो लोग 80 पे आए और वो लगातार ले रहे हैं, उनको हम लोग लॉयल कस्टमर कह देते हैं। भाई वो आए थे, उनको प्रॉब्लम हुई थी, और आप रिपीटेडली उनको खरीद रहे हो, जैसे कि आप हमारी क्लास में रिपीटेडली आओगे तो आप लॉयल हमारे कहलाओगे, आप मेरे कस्टमर नहीं हो, बट हाँ यू आर वेरी वेरी सीरियस इन योर स्टडी और लॉयल इन योर लाइक थिंग्स दैट, हाँ भाई भाई हम अगर इनसे पढ़ रहे हैं तो इन्हीं से ही पढ़ रहे हैं, और इन्हीं का ही सारा फॉलोअप करेंगे, और हम नेट जेआरएफ क्रैक करेंगे। हम ऐसा नहीं करें कि हमारे ही करोगे तो करोगे, बट बात ये किसी एक को फॉलो करो, ऐसा नहीं कि 10 जगह जाओ, 10 जगह जाओगे तो कंफ्यूज हो गए, अभी बता रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए कहते हैं अगर कोई चीज ऐसे आएगी फाइनल आके, वो लॉयल्टी में आएगी, और जो लॉयल बन जाते हैं, जैसे 80 लोग हमने कहा लॉयल बन गए, वो लोग और दूसरों को भी कहेंगे, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड, पियर, ग्रुप जो है उन सबको कहेंगे कि भैया इनका ये ले लो, इनका ये प्रोडक्ट ले लो, ये काफी अच्छा
प्रोडक्ट है, राइट, काफी बढ़िया, इसीलिए उसको कहते हैं एडवोकेसी, लास्ट में क्या आ जाता है, एडवोकेसी। इतना ही है, अवेयरनेस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ, लॉयल्टी आ गई, लॉयल्टी के बाद अब देखो इसीलिए ये फिर से बढ़ने लगा है, राइट, ये डमरू जैसा बन जाएगा, राइट। एडवोकेसी से क्या होता है, और भी हमारी बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, बट हाँ थोड़ी बहुत इम्पैक्ट डालती है, राइट। सो बस आज की क्लास इतनी ही, एंड आई विल थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। देन अभी तक यहां तक आ गए हो तो एक लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर करना, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।